नमस्कार, कैसे हो सब लोग। आपका अपना श्रवण 11 मई 2023 की रात 11:30 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये नीट 2023 के उन बच्चों के लिए जिनको लोग ये कहते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और आप किसी काम के नहीं हो, तो आप सोचोगे सर रात को ऐसा वीडियो शूट करने की जरूरत क्या पड़ी। दोस्तों, आज मैं एक फंक्शन में जाके आया हूँ। अभी मेरी स्टूडेंट रही है कौशल्या और पति का नाम है एडवोकेट महेंद्र फेनिन और बिटिया का नाम है नेहा फेनिन, जिसके नीट 2022 का स्कोर था 640 और आज वो सीकर मेडिकल कॉलेज से अपनी MBBS की डिग्री कर रही है। 640 उसको बहुत कॉलेज और ही मिल सकती थी, लेकिन हमने सीकर रखना पसंद किया। तो मैं 2021 का उसका रिजल्ट आया था, वो दिन मुझे याद है। वो किसी भी कारणवश अपनी ओमार को कंप्लीट फिलअप नहीं कर पाई। यूँ कहूँ कि वो मेरी बेटी नीट 2021 अच्छा नहीं खेल पाई। मैं परेशान था, उसकी मदर कौशल्या जो मेरी स्टूडेंट रही है CLC में 2001 में वो परेशान थी, एडवोकेट महेंद्र परेशान था, मतलब पारिवारिक लोग थे। तो महेंद्र तो बहुत भावुक हो गया था, बोस क्या करें। तो मेरे पे छोड़ा उन लोगों ने। मैंने कहा एक काम कर महेंद्र, अपने एक साथ फिर तैयारी करते हैं। वापस लगाया और 22 में फिर उसी गुड़िया के नंबर 640 आ गए। तो ऐसी बहुत सारी नेहा जैसी बेटियां और भी होंगी, ऐसे बहुत से बच्चे और होंगे। तो मैं घर नहीं गया, मेरे कैमरे के सामने सुनील सुरान सर भी बैठे। मैंने कहा आज एक दिमाग में पिक्चर है, उसको अपन शूट करते हैं, क्योंकि एक इमोशंस को शूट किया जा रहा है और इमोशन हर वक्त चेंज होते रहते हैं। इस वक्त का इमोशन यही है कि और नेहा को तलाश किया जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बच्चे की पेरेंट्स नेहा के पेरेंट्स की तरह हों, कौशल्या और महेंद्र की तरह हों, जो पूर्णतः अपने बॉस पे विश्वास करते हैं कि भी मैं तो छोरी थाने गोद दे दी। तो आप कौशल्या और यदि महेंद्र बन जाते हैं, यदि आपकी भी गुड़िया या आपका बेटा नेहा की तरह किनारे पे है, मैं वो श्रवण हूँ और मैं हर साल ज़्यादा सक्षम होता हूँ, टीम वाइज, अनुभव वाइज, संसाधन वाइज, विल पावर वाइज और मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद की ताकत वाइज। आप ST में हैं तो आपका स्कोर 430 के आसपास बन रहा है, उससे कम बन रहा है। SC में है 470 से कम बन रहा है। जनरल OBC EWS में है 600 से कम बन रहा है। तो थोड़ी कड़ी सी बात है, कॉलेज मिलना बड़ा टफ जॉब है। हो सकता है मोप अप राउंड पे कहीं कॉलेज मिल जाए, और इनसे नीचे जो बच्चे हैं वो तो कहने की बात ही नहीं है, काफ़ी कम चांस है कॉलेज के। तो डॉक्टर बनने का सोच लिया, महेंद्र की तरह कौशल्या की तरह आपके पेरेंट्स ने सपना पा लिया कि नहीं यार कुछ भी हो जाए छोरे को या छोरी को डॉक्टर बनाएंगे, तो ट्रस्ट करना पड़ेगा CLC पे, अपने बॉस पे। वेट नहीं करें, 15 मई को आ जाओ। 15 मई 2023 से 5 मई 2024 को होने वाली नीट के लिए हम लोग वापस लगते हैं। बातें बहुत सी की जा सकती हैं, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वेट नहीं करें, अपने पेरेंट्स को आप करने भी कर दें, इन्हें मेरा वीडियो दिखा दें। इस वीडियो को जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं मेरा नमस्कार है उनको। गार्जियन साहब परेशान नहीं हो, क्योंकि आपके साथ ये पहली बार हुआ होगा, बट हमारे साथ तो किस्सा 2000 से चल रहे हैं। 2005 का भी किस्सा याद है मुझे, एक मैं नाम कोट करके बताना चाहूँगा। मेरा एक अच्छा मित्र रहा है हरी सिंह पायल, जो खुद कंपाउंडर है, उसकी छोटी बहन अनिता पायल, 2005 की बात कर रहा हूँ, ऐसे किनारे पे रही थी। और मुझे आज भी याद है मेरे घर के सोफे पे वो, जैसे एक बहन अपने भाई के पास भावुक हो जाती है, मेरे पास आएगी, वो सब क्या करें। मैंने हरी सिंह को फ़ोन किया, मैंने हरी यार एक मौका और देते अनिता को अपन। हरी सिंह ने कहा यार भाई साहब मैं भी चाहता हूँ, मैं तो कंपाउंडर, मेरी बहन डॉक्टर बने, लेकिन एक साल दे दिया, हुआ नहीं। वो मुझे मेरे घर के सोफे से आज भी याद है। मैंने कहा हरी यार ये वैसे मेरी बहन है और आज से मेरी बेटी की तरह भी है। हरी ने विश्वास किया और फिर 2005 में हमारी बेटी ने SMS में सिलेक्ट हुई, वो आज वो अपना एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल रन करती है जिड़ाव में। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, अनंत एग्जाम्पल है ऐसे। प्रवीण बिश्नोई तो कॉलेज छोड़ के आ जाता है पश्चिम बंगाल से और वापस आके लग के आज जोधपुर से अपनी MBBS की डिग्री कंप्लीट कर रहा है। विवेक जांगिड बीकानेर कॉलेज छोड़ के वापस आ जाता है, बीकानेर को मिला था उसको, तो आज एम्स जोधपुर में है। तो मैं तो वही श्रवण हूँ, आप विवेक बनना है, नेता पायल बनना है, नया फेनिन बनना है, निखिल अग्रवाल बनना है,
बहुत से नाम है, वीडियो में सब नाम तो नहीं कोट कर सकता। 15 मई 2023 आना भी पड़ेगा, लेट मत हूँ। 15 मई 2023 को जो बैच हम शुरू कर रहे हैं, 10 फरवरी 2024 को कंप्लीट कर देंगे। 5 मई को नीट का एग्जाम है, उसके बाद बायोकेम चलेगा, तो सारी क्लासेज देनी होंगी। पर सुनना भाई, ये टेस्ट सीरीज भी नहीं, सारी क्लासेज, सारे टेस्ट, कैंप, असेंबली और CLC की टी शर्ट पहन के और कार्ड गले में टांग के सुबह जब आओ CLC के लिए, तो इस भाव से आना कि एप्रेन पहन के हॉस्पिटल जा रहा हूँ, खुद के हॉस्पिटल जा रहा हूँ। जिस भाव से मैं आता हूँ कि मैं इस साल और हजारों डॉक्टर बनाऊंगा, हजारों IITian और NITian बनाऊंगा। तो दोस्तों 15 मई 2023 से आपकी CLC फ्रेशर्स के लिए, रिपीटर्स के लिए, मार्जिन केस के बच्चों के लिए, रिपीटर कई प्रकार के होते हैं, मार्जिन केस रिपीटर भी हैं, कॉमन रिपीटर भी हैं। अब बात नंबरों की आती है दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके 250 हैं कि 300 हैं। 330 नंबर का असला राम 675 लेके आता है, 535 नंबर की विनीता 690 नंबर ले आती है। पर कई बार ऐसा भी होता है, इस साल 580 आए, अगली बार 585 ही रह गए, ये भी होता है। माफी चाहता हूँ, मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ। इसलिए आपके अच्छे नंबर हैं जरूरी, अगली बार अच्छे आए, और खराब हैं तो नहीं आए, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आपको कहानी स्टार्ट जीरो से करनी पड़ेगी। आपको 5 मई 2024 को पहला गोला नीट अपने OMR का पहला गोला फिर से भरना पड़ेगा। आओ यार, कुछ नए ढंग से, नए अंदाज में काम करते हैं, और इसलिए भी काम करेंगे क्योंकि 17 अगस्त 2024 को बाबा का 16वां जन्मदिन है, तो उसके पहले रिजल्ट नीट 23 का तो आएगा, उसमें तो आप ये मानते हो कि आप इसे दर नहीं हो पाए। नीट 2024 के रिजल्ट में बड़ा अचीवमेंट करो, ताकि हम 17 अगस्त 2024 को विजयोत्सव जब मनाएं, गुरुदेव की 6 फुट की बड़ी मूर्ति का अनावरण कराएं, और सपना है देश के प्रधानमंत्री से उसका उद्घाटन करवाएं और उन बच्चों को माननीय प्रधानमंत्री के हाथों सम्मानित करवाया जाए। सपना है, सपना पालना आदत श्रवण की। जो बहुत से लोग मुझे सपनों का सौदागर भी कहते हैं, ये सपना ही तो है। 1996 में कहा था कि हर गांव से डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा अपना, लोग पागल कहते थे। इस वीडियो को सुन के लोग कहेंगे ओहो तेरी कोचिंग में प्रधानमंत्री आएंगे क्या? वो आएंगे कि नहीं आएंगे, सपना देखा यार। नानी भाई का मायरा है, चल दिए हम तो, नरसी हैं भरेगा नहीं आके मायरा। आप देश की किसी भी कोचिंग में रहे होंगे नीट 23 में, आप अब CLC बने। यही बात JEE के बच्चों कहूँगा, JEE के बच्चे जो मैन दे चुके, एडवांस में क्वालिफाइड नहीं हुए, एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, ये आपका एडवांस में हो जाता तो ठीक है, 4 जून को आप पढ़ाई हो, नहीं तो आप फिर से एक बार JEE के लिए आए। CLC नीट और JEE दोनों प्रॉपर काम आपके पास CLC कर रही है, सारी क्लास, सारे टेस्ट, असेंबली, कैंप, और मन से पीली वाली टी शर्ट, मन से कार्ड गले में टांग के CLC आ जाओ। ये श्रवण डायरेक्टर श्रवण का विश्वास नहीं, एक शिक्षक श्रवण, एक गार्जियन श्रवण, मेंटर श्रवण, वो श्रवण जो रात को 12 बजे जगता है बच्चों के लिए, उस श्रवण का आपसे वादा है। 5 मई की शाम को, 5 मई 2024 की शाम को तेरे घर में वो सारी खुशियाँ होंगी जो आज किसी कारणवश नहीं है, इतनी बात करूँगा। 15 मई को बैच स्टार्ट हो रहा है, हर मंडे बैच स्टार्ट करेंगे। लेट किस लिए कर रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं? तेरा मेला पीछे छूटा राई चल अकेला। और एक गाने की लाइन से इस वीडियो को समाप्त करूंगा कि कब तलक हमसे, हर बच्चे के लिए जो इस बार किसी कारणवश प्रॉपर स्कोर नहीं बना पा रहा है, कि कब तलक हमसे ये तकदीर भला रूठेगी, कब तलक हमसे ये तकदीर भला रूठेगी, इन अंधेरों से उजाले की किरण फूटेगी, गम के दामन में कहीं चैन छुपा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। और इस गाने का एक बहुत प्यारा दोस्तों, बहुत ही प्यारा प्यारा है कि इम्तिहानों के यहाँ दौर यूं ही चलते हैं। 7 मई को भी नीट है तो 5 मई को फिर नीट होगी,
कि इम्तिहानों के यहाँ दौर यूं ही चलते हैं। सुनील सर, आंधियों में भी उम्मीदों के दिए जलते हैं, इम्तिहानों के यहाँ दौर यूं ही चलते हैं, आंधियों में भी उम्मीदों के दिए जलते हैं। कल की उम्मीद पे, 5 मई 2024 की उम्मीद पे, हर CLCN जिया है यारो। आजो मैं आपके साथ हूँ, मेरा आपसे वादा है। वो रात का कैंप, वो रात को 12 बजे छुटते हुए कैंप में आपका बॉस एज ए गार्जियन, एज ए मेंटर आपको गेट पे मिलेगा। या तो तू CLCN नहीं है, या तू हार नहीं सकता। कपिल सर की बात कहते हैं, या तो पैशन नहीं है, और पैशन है तो प्रेशर नहीं है। सच्चा CLCN कभी हार नहीं सकता, झुक नहीं सकता, टूट नहीं सकता। जब उनका बॉस हार नहीं सकता, टूट नहीं सकता, झुक नहीं सकता, तुम कैसे कर सकते हो? पकड़ो उंगली, आओ चल बिस्तर पैक कर, चल चल बिस्तर पैक कर, ये बंद करो ना दौड़ना। मुंह धोले मत दिखा जख्म दिल की, दुनिया को हर आदमी अथेली पे नमक लिए घूमता है। अपने बॉस के पास आ जा, मेरी आड़ू भाषा में कहूं, झक मरा के सिलेक्शन आपके कदम आ जाएगा 5 मई 2024 को इतने 11:30 बजे तो तुम्हारे व्हाट्सएप आएंगे 680 690 इस बार आ रहे हैं, तब दोस्तों मजा आएगा। आया ना, मिले, नमस्कार, जय श्री।